सुनहरा लेक, उसके साइड में एक ट्री हाउस और आप अपने पार्टनर के साथ वहाँ पे, काफी रोमांटिक नजारा होगा राइट। लेकिन आज मैं जिस मूवी पे बात करने वाली हूँ वहाँ का सिनारियो थोड़ा सा अलग है। मैं एक साइकोलॉजिकल सस्पेंस मूवी लाई हूँ, हनीमून, जो 2014 में रिलीज हुई थी। सो कहानी के शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं, बी और पॉल, जिनकी नई नई शादी हुई थी। वे लोग अपना वेडिंग वीडियो देख रहे थे और काफी खुश थे और अगले दिन अपने हनीमून के लिए निकल जाते हैं। ये दोनों भी हनीमून के लिए एक छोटे से टाउन में आए थे जहाँ पे जंगल के बीचों बीच एक घर था। ये दरअसल बी का बचपन का घर था, सालों से खाली पड़ा था। साइड में एक सुनहरा लेक था और ये पूरा नजारा काफी सुंदर था। अब इनका रोमांटिक हनीमून शुरू हो जाता है, लेकिन रात में जब ये लोग सो जाते हैं तब अचानक से एक बीम ऑफ लाइट इनके बेडरूम में आती है। लेकिन गहरी नींद में होने के कारण इस लाइट के बारे में दोनों को भी पता नहीं चलता। अगले दिन पॉल खुद के लिए और बी के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। काफी अच्छा समय बिताने के बाद ये लोग फिशिंग के लिए चले जाते हैं बोटिंग में। समर होने के बावजूद इस लेक का पानी बहुत ज्यादा ठंडा था। अब देखते ही देखते शाम हो जाती है और ये लोग डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट ढूंढने लगते हैं। टाउन में थोड़ा ड्राइव करने के बाद उन्हें एक रेस्टोरेंट दिखता है, लेकिन रेस्टोरेंट का ओनर रेस्टोरेंट की सारी चीजें गुस्से में मानो तोड़ रहा था। वो सीधा सीधा कह देता है कि रेस्टोरेंट बंद है, यहाँ से चले जाओ। लेकिन बाद में अचानक से वो बी को उसके नाम से बुलाता है और पता लगता है कि बी का ये बचपन का दोस्त है विल। एक जमाने में शायद दोनों भी कपल थे। वो बी को कहता है कि मैं कुछ खाने की तैयारी करता हूँ। और तभी हम विल के वाइफ एनी को वहाँ पे देखते हैं। काफी अजीब थी वो, लेकिन विल जैसे ही एनी को देखता है गुस्से में उसका हाथ पकड़ के उसे लेके जाता है अंदर। अब ये लोग डिनर करके घर पे आते हैं, लेकिन विल का जो बर्ताव था उससे बी थोड़ी परेशान होती है कि एग्जैक्टली विल के साथ क्या हुआ है। मे बी उसने सही लड़की के साथ शादी नहीं की, इसीलिए वो गुस्सा है। अब ये सुन के पॉल को थोड़ा सा डाउट आता है कि क्या तुम अब भी विल से प्यार करती हो, और इसी में इन दोनों का आर्ग्यूमेंट शुरू होता है। रात में सोने के बाद करीब करीब 3 बजे अचानक से इनका अलार्म बजने लगता है। पॉल घड़ी को बिना देखे ही उठता है, उसे लगता है कि अभी सुबह होने वाली है, इसीलिए वो फिशिंग की तैयारी करने के लिए जाता है। बी उसके साइड में ही सोई हुई थी। घर से निकलते वक्त वो दूसरे घड़ी में देखता है तो अभी तक 12 ही बज रहे थे, इसीलिए वो वापस सोने जाता है। लेकिन तभी बेडरूम में बी नहीं थी। अब परेशान पॉल उसे पूरे घर पे ढूंढने लगता है, आवाजें लगाता है, लेकिन उसका कोई ठिकाना नहीं था। थोड़ी देर के बाद वो बाहर जंगलों की तरफ उसे ढूंढने लगता है और काफी समय के बाद उसे दूर पे बी खड़ी दिखाई देती है। वो बिना कपड़ों की थी और सर झुका के नीचे देख रही थी। सरप्राइज पॉल उसके पास आता है और धीरे से उसे बुलाता है, लेकिन इससे बी मानो काफी डर जाती है और जोरों से चीखने लगती है। वो उसे अपना शर्ट पहना के वापस घर में आता है और पूछता है क्या हुआ, तुम अचानक से ऐसे कैसे बाहर चली गई बिना कपड़ों की। तो बी को कुछ भी याद नहीं था, वो कहती कि शायद मैं नींद में चली गई। अब इस रात के बाद धीरे धीरे बी का बिहेवियर काफी स्ट्रेंज हो जाता है। पॉल उसे पूछता कि मैं इतने सालों से तुम्हें जानता हूँ, लेकिन तुम्हें नींद में चलने की बीमारी तो नहीं है। तो बी कुछ भी नहीं कहती। वो उसके साथ काफी नॉर्मल रहने का प्रिटेंड करती है, लेकिन उसमें कुछ चेंज हुआ था और पॉल भी इस चेंज को समझता है। जब पॉल उसके साथ इंटीमेट मोमेंट बिताने लगता है तब अचानक से उसके थाई पे एक बाइट का निशान दिखाई देता है और वो उसे पूछने लगता है कि ये क्या है। तो वो कहती है कि शायद मॉस्किटो का निशान था, वो इतना बड़ा काटने का निशान था। अब ये काफी सारी बातें छुपा रही है, इसीलिए पॉल को शक आने लगता है। वो उसी जगह चला जाता है जंगल में जहाँ पे पिछले रात बी उसे मिली थी। तो वहाँ पे उसका ड्रेस मिलता है और उस ड्रेस पे कुछ स्लाइमी मटेरियल लगा हुआ था। पॉल उस ड्रेस को घर में छुपा के रखता है। रात में वापस इंटीमेट सीन के दौरान बी उसे एक्सक्यूज देने लगती है और पॉल को गुस्सा आ जाता है कि चल क्या रहा है, मतलब तुम्हारा बिहेवियर पूरी तरीके से बदल गया है। वो उसे उसका पुराना ड्रेस पूछता कि वो कहाँ है, तो वो झूठ बोलती है कि वो लॉन्ड्री में डाला हुआ है, लेकिन वो उसे कन्फ्रंट करता है कि ये ड्रेस बाहर पड़ा हुआ मिला। अब इन दोनों का इसके ऊपर बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट हो जाता है और गुस्से में दोनों सोने जाते हैं। इसी बीच में वो वापस लाइट बीम इन दोनों के ऊपर गिरता है। पॉल की आँख खुल जाती है और वो उस लाइट का पीछा करते हुए रात के अंधेरे में निकल जाता है। उसे अपने खिड़की से एक शैडो दिखाई देता है। उसे लग रहा था कि वो आदमी विल है और बी और विल का कुछ चल रहा है, इसीलिए उसे मारने के लिए वो राइफल निकालता है और घर के बाहर जाके वो सीधा एक फायर करता है ऊपर। अगले दिन सुबह बी अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी कि मेरा नाम बी है, मेरे हस्बैंड का नाम पॉल है, ये मेरे बचपन का घर है। लेकिन जैसे ही पॉल वहाँ पे आता है वो उस डायरी को छुपा के रखती है। अब इनका काफी इंटेंस झगड़ा हुआ था, इसीलिए दोनों एक दूसरे के साथ माफी मांगते हैं और बोटिंग करने के लिए चले जाते हैं। पॉल उसे कहता है कि मुझे यहाँ पे और रहना नहीं है, यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन बी मना कर देती है। बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी बी अचानक से ब्लीड करने लगती है। वो कहती है कि शायद मुझे डेट आई है,
लेकिन पॉल समझ जाता है कि बात कुछ और ही है, शायद उसे जख्म लगी है, इसीलिए वो उसे डॉक्टर के पास चलने के लिए कहता है। और पॉल आखिर में हैरान होकर अपना आपा खो देता है और उस पर चिल्लाने लगता है कि तुम्हें हो क्या गया है, पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ तुम काफी अजीब बिहेव कर रही हो और ये सब कुछ तुम्हारे दोस्त विल के कारण है ना। और वो गुस्से में विल के घर चला जाता है। उसे वहाँ पे विल की पत्नी एनी मिलती है, वो भी काफी अजीब तरह से बर्ताव कर रही थी। वो भी उसे कहती है कि मेरा नाम एनी है, मेरे हस्बैंड का नाम विल। अब ऐसा ही टेक्स्ट सुबह कुछ बी ने लिखा हुआ था, ये पॉल नोटिस करता है। वो एनी से पूछता है कि विल कहाँ पे है, तो एनी उसे कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, हम लोग सेफ नहीं है। और तभी पॉल को भी एनी के थाई पर वैसा ही काटने का निशान दिखाई देता है। पॉल कुछ आगे बोले इसके पहले ही एनी बोर्ड के साथ चली जाती है और किनारे पे विल की एक कैप उसे मिलती है जिसमें खून लगा हुआ था, यानी शायद विल की जान अभी खतरे में थी। अब यही मौका देख के पॉल चुपके से विल के घर में चला जाता है। वहाँ पे कंप्यूटर ऑन था और घर के कैमरे की रिकॉर्डिंग और घर के कैमरे की फुटेज उसे मिलती है। वो देखता है कुछ दिनों पहले एनी भी बिल्कुल बी की तरह ही आधी रात को वुड्स में चली गई थी उसी लाइट के सामने। आगे उसे कुछ पता चले तभी अचानक से लाइट फ्लिकर करने लगती है और तभी उसकी नजर दीवार पे चली जाती है। वहाँ पे उसे बोर्ड पे डायरी के पेपर्स मिलते हैं जिसपे सेम चीज लिखी हुई थी जो बी ने सुबह लिखी थी, लेकिन उस पेपर पे भी वैसा ही स्लाइमी एलिमेंट था। अब डरा और कंफ्यूज पॉल वहाँ से निकलता है और तभी हम खिड़की पे किसी शैडो को देखते हैं। पॉल अपने घर पे आता है और बी को विल की कैप दिखाता है कि शायद विल मर गया है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए, पता नहीं क्या हो रहा है। लेकिन बी कहती है कि शायद एनी उसे बचाने की कोशिश कर रही है। अब पॉल के लिए बहुत हो चुका था इसीलिए वो कार की कीज ढूंढने लगता है, उसे कार की कीज नहीं मिलती, इनफैक्ट वो बी ने कहीं पे छुपा के रखी थी। अब गुस्से में बी के बैग ढूंढते वक्त उसकी डायरी मिलती है जिसमें उसने सेम टेक्स्ट लिखा हुआ था। यह टेक्स्ट पढ़ने के बाद पॉल समझ जाता है कि ये सामने खड़ी लड़की उसकी पत्नी नहीं है, शायद एक बहुरूपिया है। तुम अगर बी होती तो ये सारी चीजें तुम्हें याद रहती, लिख के रखने की जरूरत नहीं थी, और कोई अजीब तरीके से याद कर करके सवालों के जवाब देने लगती है। तभी पॉल समझ जाता है कि ये झूठ बोल रही है, इसीलिए वो उसे बेड पे बांध के रखता है। तभी पॉल की नजर बी के शॉर्ट्स पे जाती है, एक अजीब स्लाइमी लिक्विड आ रहा था। अब ये क्या चल रही है देखने के लिए पॉल उसके पेट के नीचे हाथ लगाता है और देखते ही देखते एक अजीब सा क्रीचर उसके पेट से निकलता है और बी रोने लगती है। अब पॉल का दिमाग खराब हो गया था इसीलिए वो बी की रस्सियां खोलता है और रूम के बाहर आता है। अब थोड़ी देर के बाद बी बाहर आती है और उसे बताने लगती है कि उस रात उसके साथ वही लाइट आई थी और मानो उस लाइट की तरफ मैं खींची चली गई, मुझे उस रात के अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था लेकिन एक काला साया था जो देखते ही देखते मेरे भीतर चला गया, उस साये ने मुझे इम्प्रेगनेट कर दिया था, इसीलिए आज भी मैं उसे अपने भीतर फील कर रही हूँ। मैं तुम्हें ये सब कुछ पहले ही बताने वाली थी लेकिन मैं अगर बताती तो तुम्हारी जान को खतरा था और अभी एक दो दिन में वो मुझे लेके जाएंगे, ये मुझे पता था काफी पहले से ही, लेकिन मुझे तुम्हें ये सब कुछ बताना नहीं था क्योंकि मुझे ये अपने आखिरी पल तुम्हारे साथ बिताने थे अच्छे से। तो पॉल कहता है कि तुम कहीं नहीं जा रही हो, तुम्हें कोई भी नहीं लेके जाएगा, मैं अभी 911 को कॉल करता हूँ। लेकिन देखते ही देखते वो लाइट वापस आ जाती है बी के सामने। बी पॉल को कहती है कि अब तुम्हारी जरूरत नहीं है और देखते ही देखते बी पॉल के सर पे मारती है जिसके कारण वो बेहोश हो जाता है। अगली सुबह उसकी आँख खुलती है तब वो बोट के बीच में था, उसे रस्सी से बांध दिया गया था और बी उसे कहती है कि तुम्हें बचाने का एक ही तरीका है, वो तुम्हें मार डालेगा लेकिन मुझे तुम्हें बचाना है और तुम अंडर वाटर ही सेफ रहोगे। और एंकर से उसे बांध के पॉल को वो तालाब में फेंक देती है, यानी उस दिन जैसे विल की मौत हुई थी वैसे ही आज शायद पॉल की भी मौत हो जाती है। मूवी के आखिरी में हम देखते हैं बी का शरीर पूरी तरीके से खराब हो गया था, वो अपनी वेडिंग टेप देख रही थी और तभी वहाँ पे एनी आ जाती है, उसकी हालत भी वैसी ही थी और उसी लाइट के डायरेक्शन में ये दोनों भी चले जाते हैं और मूवी खत्म हो जाती है। सो एग्जैक्टली मूवी में क्या हुआ, मतलब वो लाइट क्या थी? सो दोस्तों, जो ब्लैक एंटिटी या फिर बीम ऑफ लाइट दिखाई गई थी वो दरअसल एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एंटिटी थी जिसने इस पूरे टाउन को घेरा हुआ था। इसीलिए फर्स्ट टाइम रेस्टोरेंट में विल भी काफी गुस्से में चीजें तोड़ रहा था क्योंकि एनी का बिहेवियर भी अलग हो गया था, शायद उसे भी इम्प्रेगनेट करके उसका भी बिहेवियर चेंज हुआ था। इस एंटिटी के कारण ही बी इम्प्रेगनेट हुई थी, एक क्रीचर उसके अंदर पल रहा था जिसके कारण उसका बर्ताव पूरी तरीके से चेंज होने लगता है। बीम के लाइट से पूरी तरीके से वो एंटिटी के कंट्रोल में आ जाती है, इसीलिए पॉल को वो पानी में फेंक देती है। और फैन थ्योरी ये भी है कि उस लेक में ही वो एलियन एंटिटी थी, इसीलिए एनी और बी दोनों भी अपने हस्बैंड्स को उस लेक में डाल देते हैं और आखिरी में लाइट की तरफ ये लोग जाते हैं तब उस एलियन के चंगुल में पूरी तरीके से फंस जाते हैं।
तो ये थी मूवी हनीमून जो 2014 में रिलीज हुई थी। मूवी की कहानी काफी एवरेज है लेकिन जो टेंशन है ना पूरे मूवी में काफी ऑसम है, इसीलिए इसे 5.6 की रेटिंग है। वेल मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।